नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, वीडियो को देखिएगा अंत तक, स्किप मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। जो भी जानकारियां आपको दूंगा, अगर आप प्लान करते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया आना है और यहां पर रहना है, जैसे स्टूडेंट PR TR वीजा कोई भी हो, अगर आपको यहां रहना है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी आपके काम आने वाला है। आपको यहाँ के बारे में बजटिंग करना और कितना खर्च हो सकता है, वो सारी जानकारियाँ आपको काफ़ी डिटेल में दूंगा मैं। और वैसे भी मैं वीडियोस थोड़ा सा डिटेल में बनाता हूँ, तो अगर आपको 5 मिनट 2 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अगर आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो चलता है, पर हाँ, बड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी अगर आपको लेनी है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं और यहाँ अगर आपको रहना है तो मंथली अप्रॉक्सीमेटली कितना आपका खर्चा आ सकता है। अगर आप अकेले हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ऑफ कोर्स अगर आप कपल हैं, हस्बैंड एंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जैसे भी, अगर दो लोग हैं तो अलग। हाँ, अगर आपके साथ में फिर बच्चे भी हैं तो उनका थोड़ा सा अलग खर्चा आएगा। ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को इसलिए आप अंत तक देखिएगा। और मित्रों, और हाँ मित्रों, मेरी जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छा लगने वाला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करके अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो पूछिएगा अवश्य। नीचे आप जो है तो अपने कमेंट भी किया करिए, हमें भी अच्छा लगता है पढ़ने से और हमें पता चलता है कि आप हमसे और कौन सी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आप लिख करके हमें बताइएगा अवश्य। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर आप अकेले हैं तो देखिए, एग्जैक्ट ये बता पाना कि आपका इतना ही खर्च आएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। हम आपको एक अंदाजतन चीज़ें बता रहे हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। उसके पीछे कारण क्या होंगे वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। कि जैसे देखिए, मेरा जो है ऑफिस हैरिस पार्क में है, जो कि पैरामाटा यहाँ की सेकेंड CBD, तो उसी काउंसिल के अंतर्गत हैरिस पार्क भी आता है, जिसे आजकल लिटिल इंडिया भी कहते हैं ऑफिशियल नाम। यहाँ पर कई जगहों में बोर्ड भी काउंसिल ने लगा दिया है जब पिछली मोदी जी यहां आए थे। हालांकि इस हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया बनाने का प्रोसेस यहां के जो बिजनेस रिलेटेड जो भी लोग हैं यहां के हैरिस पार्क में, जिनका जिनका भी बिजनेस है, तो वो ग्रुप काफी दिन से प्रयासरत था, तो उस प्रयास के चलते यहां काउंसिल ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उनके सम्मान में ये उनके द्वारा ही उद्घोषणा करवाई गई उस दिन, तो अब यहां ऑफिशियल नाम इसका पड़ गया। ये मैं बता क्यों रहा हूं पैरामाटा हैरिस पार्क, क्योंकि ये ज़्यादातर जो भारतीय लोग हैं या एशियंस हैं, एशिया में देखिए चाइना और बाकी कंट्रीज़ भी आती हैं, तो मैं उनकी बात ना करके पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका या नेपाल वगैरह की तरफ के लोग इस एरिया में ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं इसी एरिया की बजटिंग बताऊंगा। बाकी ये भी है कि अगर आप सिटी में लेते हैं, कहीं बहुत दूर चले जाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो हैरिस पार्क के हिसाब से आपका मंथली खर्चा कितना आएगा, तो सबसे पहले देखिए मेजर जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले होता है हमारा रेंट, मतलब रहने का। अगर आप हाउस लेते हैं, यूनिट लेते हैं या आप शेयर अकोमोडेशन में जाते हैं, जिस भी स्थिति में है, लेकिन सबसे पहला खर्चा आता है आपका रेंट का। दूसरे नंबर पर आता है ग्रोसरी, भैया जहाँ रहेंगे तो फिर उसके बाद हमको खाना पीना भी पड़ेगा, तो ग्रोसरी का। और तीसरे नंबर पर फिर यहां आता है ट्रैवलिंग का, क्योंकि यहां केवल आप आके घर में नहीं बड़े मतलब खाना बना करके खा के पड़े रहेंगे, आपको कॉलेज भी जाना होगा, आपको वर्क पे भी जाना पड़ेगा, इधर उधर सब जगह ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये आता है। फिर इसके बाद में आपका आता है मोबाइल, फिर इंटरनेट, और उसके बाद फिर बाकी चीजें भी एड ऑन होती हैं धीरे धीरे, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप हैरिस पार्क में रहते हैं या हैरिस पार्क के एरिया में, एग्जैक्ट हैरिस पार्क ही जरूरी नहीं है, इसके आसपास 2-4 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पर भी रहते हैं या इसी तरह के किसी दूसरे सबब में रहते हैं, तो अंदाजतन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और शेयर अकोमोडेशन में जाते हैं, तो 200 से लेकर के और 300, 350, 400 तक का भी आपको अकोमोडेशन मिल सकता है शेयर में। बट मैं कहता हूं 200 से लेकर के और 250 तक आप एक ठीक सा मान सकते हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल सिटी साइड में चले जाएंगे तो भाई फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है, 500-1000 भी हो सकता है वीकली। ये मैं बात वीकली कर रहा हूं कि 200 से 250 अगर आप मान करके चलते हैं वीकली, तो एक इंडिविजुअल के लिए महीने का अप्रॉक्सिमेटली $1,100 जो है तो किराया आ जाता है।
उसके बाद ग्रोसरी। अब देखिए कितना बड़ा जंप आया है, ये यूक्रेन और रशिया वॉर से पहले 2021 के एंड तक जो ग्रोसरी वगैरह का खर्चा होता था अब वो लगभग लगभग जो है डबल हो चुका है। तो अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक सा खाना वगैरह खाते हैं तो मैं चलिए इसका मंथली ही बता देता हूँ आपका, ये लगभग लगभग जो है तो कम से कम 350 और 500 भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 400 तो आप मान के चलिए, जिसमें आपका दूध भी होगा, सब्जियाँ भी होंगी और बाकी चीज़ें भी होंगी, कुछ आप फ्रोजन आइटम लेते हैं। हमें फ्रोजन आइटम के बारे में मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे इंडिया से पराठे और रोटियां और सब ज़्यादातर जो हैं तो वो मैदे की होती हैं, तो कभी कभार तो आप खाएं लेकिन फिर हो सके तो उनको आप अवॉइड करें। वैसे हैरिस पार्क में कुछ लोग हैं जो टिफ़िन सर्विसेज भी देते हैं, आप पता कर लीजिएगा इंटरनेट में डाल करके, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं फिर आपको पता करके बता दूंगा। तो यहाँ टिफ़िन सर्विसेज भी हैं, लेकिन अगर आप खाना बनाते हैं तो ग्रोसरी का आपको खर्चा जो है तो लगभग 400 to 500 मंथली आ जाएगा। अब उसके बाद में आता है सबसे पहले ट्रैवलिंग का। तो अब ट्रैवलिंग में देखिए यहाँ पे क्या होता है, कैप होती है कि वीक में अगर आप एक सर्टेन अमाउंट, मेरे ख्याल से $60 है, मैंने एग्जैक्ट देखा नहीं है लेकिन 57 या 60 के अंदर ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, मतलब $55-60 वीकली का है कि इससे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कटेगा ही नहीं। अगर आप चाहे 100 चक्कर लगाएं चाहे 500 चक्कर लगाएं, और डेली कैब भी मेरे ख्याल से $17 की है जो लास्ट टाइम मैंने देखा था, कि एक दिन में आप चाहे जितना ट्रैवल करें $17 से ज्यादा आपका खर्च नहीं होगा। तो मान करके चलते हैं कि $55 जो है आपका वीकली अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को कंसेशन कार्ड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस देते हैं, तो ये जो $55 वीकली हैं या $17 पर डे का मैक्सिमम खर्च है ट्रैवलिंग का, ये रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, 50% हो जाएगा ऑलमोस्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं वीक में, आपको लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि सेम कार्ड ही, अगर आप ओपल कार्ड जो कि यहाँ ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता है तो अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो एक ही उसी कार्ड को हमेशा रिफिल करवाते रहें और उसी को यूज़ करें। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करते हैं तो सेम कार्ड ही यूज़ करें पूरे वीक में, अदरवाइज अगर आप अलग अलग कार्ड को यूज़ करेंगे तब फिर आपका पैसा उसी हिसाब से कटने लगेगा। और हाँ, यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए आप एक यहाँ पर आता है ओपल कार्ड, उसे यूज़ करें, किसी भी ग्रोसरी शॉप से किसी भी जगह से ले सकते हैं। और यदि आपके पास ओपल कार्ड नहीं है तो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ऊबर वगैरह करते हैं या आप कार किसी और कारण से खरीदते हैं या फिर कई लोग स्कूटर खरीद करके ऊबर ईट करते हैं तो उसमें जो भी पेट्रोल वगैरह का जो थोड़ा बहुत खर्चा आएगा तो वो एक अलग हो जाता है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि $200 से $250 जो हैं तो महीने आपका खर्चा आएगा। अगर आप कार खरीद करके और यूज़ करना चाहते हैं डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें पेट्रोल के साथ साथ, पेट्रोल तो ऑफकोर्स महंगा हुआ है पिछले 2 सालों में, काफ़ी महंगा हो गया है, तो वो और प्लस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है, पिंक स्लिप वगैरह लेनी पड़ती है, गाड़ी के दूसरे मेंटेनेंस होते हैं, गाड़ी को कभी साफ भी करवाना पड़ता है, तो ये सब अगर आप मिला जुला लें तो 300 to 400 आपका मंथली जो है, कम से कम 300, 350 या 400 भी आप मान करके चलें, इतना आपका महीने गाड़ी में आ जाएगा। और अगर आप वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करते हैं तो $250 अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका महीने का ये हो जाएगा। उसके बाद में आता है आपका देखिए मोबाइल। तो मोबाइल में क्या है कि अगर आप तुरंत आकर के नहीं खरीदने, मेरी एडवाइस तो ये है कि आप तुरंत आकर के मोबाइल खरीदे नहीं, बल्कि इंडिया से ही आप ला करके, और यहाँ तमाम सारी लाइका है और तमाम सारे ऑप्टस बहुत सारे हैं जिनके आप सिम कार्ड लेकर के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वैसे बिलिंग वाले में भी जाते हैं तो मिनिमम $20-25 या $30 का आपका मंथली का पड़ जाएगा। अगर आप यहां पर लगता है कि आते ही आपको यहाँ पे मोबाइल ख़रीदना है, लाइक आईफोन वगैरह ऐसा कुछ लेना है, तो उसके लिए यहाँ पर मंथली होता है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, पर वो भी ध्यान रखिएगा कि वो वीज़ा के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका 2 साल का वीज़ा है या 4 साल का वीज़ा है तो उसके हिसाब से फिर वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनेगा कि आपका 24 महीने या 36 महीने का बनेगा। तो उसमें मंथली जो है तो आपको मोबाइल का भी उसमें पैसा देना पड़ेगा, प्लस जो सर्विस आप लेते हैं उसका भी लेना पड़ेगा। तो ये समझ करके चलिए अगर आप ठीक ठाक सा मोबाइल लेते हैं तो 100 से लेकर के $125 मंथली जो है ये भी पड़ेगा, अगर आपके पास में हैंडसेट है। और मैं एडवाइज ये करूंगा भैया आप तुरंत आते ही इन सब चक्करों में न पड़े, कोई अपना इंडिया से हैंडसेट लेकर के आइए और यहां पे $15-20 महीने वाला कोई आप ले लीजिए सिम कार्ड और उसको शुरू में 4-6 महीने पहले यूज कीजिए, पहले कंट्री को, देश को, शहर को समझिए अच्छी तरह से, उसके बाद ही अधिक खर्चे वाली किसी चीज़ का कमिटमेंट कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपका वो शुरू हो जाता है तो उसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। और याद रखिएगा
अगर आपकी कहीं पर भी इस तरह की हिस्ट्री खराब हुई कि आपने रीपेमेंट नहीं किया टाइम पर, तो वो सब कुछ आगे चल करके आपके पीआर वगैरह के लिए भी डिफिकल्ट होता है। और उसके आगे भी अगर आप पीआर हैं और आप इस तरह का कुछ घोटाला घर लेते हैं, मतलब गलती से बाय मिस्टेक हो जाता है अक्सर लोगों से, तो फिर आप घर लेने जाएंगे, लोन वगैरह लेने जाएंगे, तो उस टाइम पर भी इन सब चीज़ों का निगेटिव इफेक्ट होता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप शुरू में तुरंत मोबाइल वगैरह के चक्कर में ना पड़िए। आप ऐसा करिए कि मोबाइल शुरू में आप अपने यहाँ से लेकर के आइए, सिम कार्ड $15-20 महीने वाला कोई ले लीजिए और उसी से अपना काम चलाइए। 4-6 महीने बाद जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, आपके पास जॉब हो जाए, तो आप आईफोन वगैरह भी ले सकते हैं, लेटेस्ट मॉडल ले सकते हैं। वो यहाँ पर 24 महीने और 36 महीने की आपकी मंथली रीपेमेंट हो जाएगी, तो आप देते रहेंगे आराम के साथ में, उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ज़रूरी एक चीज़ है और वो है इंटरनेट। अगर आप शेयर अकोमोडेशन में जाते हैं तो कई बार ये चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, नहीं तो $60 से $80 के आसपास जो है मंथली आपको खर्चा आएगा इंटरनेट का। तो ये चीज जोड़ लीजिए। अब उसके बाद में भैया देखिए, अब हम तो इंडिया से हम लोग आते हैं, तो हमारे यहाँ तो क्या है कि बाहर खाने पीने की आदतें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो थोड़ा बहुत आपको, अब हैरिस पार्क या ऐसे किसी जगह में रहते हैं, तो आपको कभी कुछ बाहर का ऊपर का खाने का मन करेगा, कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी पानी पूरी वगैरह यहाँ पर बहुत मिलती है। हमारे यहाँ पानी पूरी बोलते हैं, कहीं गोलगप्पा बोलते हैं, कहीं उसको पुचकी बोलते हैं शायद बंगाल साइड में, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मैंने, मुझे लगता है शायद हाँ ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो ऐसा कुछ खाना है, कभी आपको समोसा चाट है, ये वो कुछ खाना है, तो अगर इस तरह का भी आपने कुछ मतलब खर्चा आपने निकाल लिया अगर महीने का, तो वो भी आप $100-150 या $200, ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना कंट्रोल वे पे इस चीज़ को खर्च करते हैं। तो $100-200 तो आपका कहीं ना कहीं, कहीं आपने कॉफ़ी पी लिया, चाय पी लिया, कुछ कर लिया, ये हो गया, तो एक ये खर्च भी आपका उसमें ही ऐड हो जाएगा। प्लस एक चीज़ में बहुत स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्मोक करते हैं यानी सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो पहली हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज़ आप कोशिश करिए आप इसे छोड़ ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और ये आपके पॉकेट के लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ सिगरेट काफ़ी महंगी है। एक बार शराब यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की, चूँकि ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर बनती हैं, वाइनरीज इतनी सारी हैं यहाँ पर, तो वो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। मैं नहीं कहता कि आपको पीना चाहिए, क्योंकि मैं तो भाई खुद नहीं कुछ पीता हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि सिगरेट यहाँ ज़्यादा महंगी है, शराब लोग बताते हैं, मैंने तो कभी नहीं पिया तो मुझे नहीं अंदाज़ा है, लेकिन हाँ इतना जो अब चूँकि रहते हैं सोसाइटी में, तो थोड़ा बहुत चीज़ें पता रहती हैं कि वो थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी। तो सिगरेट छोड़ करके आइए, अगर आपको सिगरेट पीना है तो फिर उसके एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे, क्योंकि सिगरेट यहाँ पर काफ़ी महंगी है। और ये गलती मत करिएगा कि आप इंडिया से या पाकिस्तान से अपने देश से लेके आएँ, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट में पकड़े गए, जबकि ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, देर आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप वहाँ पकड़ लिए जाएँ, तो फिर आपका सारा कुछ जो है तो ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सिगरेट हो सके छोड़ दें, नहीं हो सकता तो भैया बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, किया सब कुछ जा सकता है, क्योंकि फिर उसके भी एक्सपेंसेस आपके जुड़ेंगे। दूसरा, कुछ नए लड़के लड़कियां हैं, क्लबिंग जाना पसंद करते हैं, डिस्को जाना है, और भी तमाम तरह तरह के, यहाँ तमाम तरह तरह के क्लब्स हैं, वहाँ जाते हैं। अब देखिए उनकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना आप खर्च करके चले आते हैं, वो टोटली मैं तो एडवाइस करूँगा कि जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर कई बार वहाँ लत लग जाती है, लोग गैम्बलिंग करने लगते हैं, कुछ वहाँ ड्रिंकिंग भी करते हैं उल्टा, फिर वैसे ही देखिए जहाँ आप जा रहे हैं फिर उसी तरह की आपको वहाँ पर सोहबत मिलती है, वैसे ही साथी मिलते हैं, तो उसी तरह के आपके खर्चे हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई महीने में एक दो बार तो हमें जाना चाहिए चीज़ों को देखने सुनने, तो $100-200 आप उनका भी डाल लें। हालांकि स्टूडेंट लाइफ में सब चीज़ें रिकमेंडेड नहीं है, नहीं जाना चाहिए। आप पीआर आ रहे हैं तो भी शुरुआत में सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो और एक बड़ा इंपॉर्टेंट खर्चा है, वो है गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का और वाटर का। देखिए वाटर का तो हर जगह आपको खर्चा नहीं देना पड़ता है, कई बार जो है जो हाउस या यूनिट के ऑनर हैं वही देते हैं, पर कई जगहों में आपको खुद भी देना पड़ता है। तो अगर आप एज ए कपल रह रहे हैं, इंडिविजुअल यूनिट लेकर के, अपार्टमेंट लेकर के, तो आपका मंथली 200 से लेकर के और 300 खर्चा आएगा इन तीनों को मिला करके, यानी वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप शेयर में रह रहे हैं तो $150 से लेकर के और $200 आपका मंथली आ सकता है। तो ओवरऑल जो ये सारे खर्चे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसके बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसके ऊपर देखिए क्या है कि आपकी फ़ीस भी होगी, जिसे मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ़ीस तो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी फ़ीस होगी। और फिर इसके ऊपर इंश्योरेंस भी होता है। अब इंश्योरेंस में भी काफ़ी अलग अलग ब्रैकेट्स होते हैं कि आप उसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस का भी चार्ज होगा। तो इन सब चीज़ों को मैं भी इसमें ऐड ऑन नहीं करता हूं। इसके बगैर ही मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि टोटल आपका इन सब चीजों में कितना खर्चा आएगा। देखिए अगर आप
अकेले रहते हैं इंडिविजुअल, लाइक अगर आप किसी के साथ में शेयर करते हैं अकोमोडेशन, तो आपका मंथली जो है कम से कम खर्चा 2500 तो आएगा ही आएगा। और ये मैं उस सबब की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा रीजनेबल है। मैं एकदम ये नहीं कहूँगा कि आप शहर से बाहर चले जाएं, क्योंकि फिर अगर आप शहर के बाहर चले जाएंगे अकोमोडेशन तो आपको सस्ता मिल जाएगा, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट एक ही प्राइस की होंगी। हाँ, अब वेजिटेबल वगैरह के लिए यहाँ पर क्या होता है, छोटे शहर में रह रहे हैं या सिडनी में रह रहे हैं तो यहाँ पर भी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, जैसे फार्मर मार्केट्स हैं और यहाँ पे दूसरी मार्केट्स हैं। सभी शहरों में फार्मर मार्केट्स भी होती हैं और दूसरी वेजिटेबल मार्केट्स भी होती हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा सस्ती पड़ जाएंगी। तो अगर आपके पास में इनफ टाइम है और आप सैटरडेज़ को जाकर के या संडेज़ को जाके वहाँ से थोड़ा सस्ता फल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आ सकते हैं, तो आप $10-20 उसमें भी वीकली बचा सकते हैं। अब जैसे हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता है, तो हम भाई जो सामने दुकानें पड़ गई हमारे हैरिस पार्क में, हमारे सामने वुलवर्थ है, वैसे जनरली जो है सारी चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह कोल से या वुलवर्थ से या इसी तरह के जो बड़े बड़े सुपर मार्केट्स हैं वहीं कहीं से खरीदी जाती हैं चीज़ें। तो ये सब मिला जुला करके जो आपका खर्चा आएगा, तो 2500 ये एक इंडिविजुअल का खर्चा है और ये रीजनेबल वाला है। अब इसके बियॉन्ड आप कितना खर्च कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड्स को या बॉयफ्रेंड्स के ऊपर खर्च करते हैं, वैसे एक बात बता दूं आपको, यहाँ अब देखिए क्या है, लोग स्प्लिट करते हैं भाई, अगर लड़का और लड़की जाते भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर पैसे खर्च ही करें। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कोई चीज़ कर रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज़ तो यहाँ लोग स्प्लिट करते हैं कि भाई खाया पिया आप अपना दे दें हम अपना दे दें। तो शुरू में मुझे लगता है ये ठीक होता है, आगे चल करके जब आप यहाँ सेटल्ड हो जाते हैं तब तो खैर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें आगे जा करके अच्छी हैं भाई मेरे हिसाब से। बट कुछ लोग अगर उसमें कंफर्टेबल हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हाँ शुरू में आप इस तरह के इमोशनल होकर के कि कोई आपको मिल गया, दोस्ती हुई, तो चलिए आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन सब चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, जिसमें मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के ऊपर, या फिर आप सिगरेट शराब पे खर्च कर रहे हैं, क्लबिंग पे खर्च कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है इनको कंट्रोल करना चाहिए शुरुआत में, ऐसी किसी भी इन चीज़ों में आगे भी नहीं पढ़ना चाहिए, जितना हो सके आप बचत करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो आपकी बड़ी गाढ़ी कमाई का पैसा होता है। तो अगर आप एज ए कपल रहते हैं, अब कपल के साथ में स्टोरी थोड़ी सी बदल जाती है, फिर आप क्या करते हैं कि कुछ लोग दो कपल आपस में साथ में मिल करके और एक किराए का कोई घर ले लेते हैं, घर मतलब अपार्टमेंट ले लेते हैं, क्योंकि इस एरिया में हाउस वगैरह तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे। हाउस में क्या है कि लाइक जो बैचलर्स हैं वो 4-5-6 लोग मिल करके एक हाउस को कर लेते हैं और फिर आपस में जो है बांट लेते हैं कितना कैसा किराया होता है। तो अब अगर आप 2-bedroom का यूनिट लेने जाते हैं या 1-bedroom का इस एरिया में यूनिट लेने जाते हैं, तो देखिए दुनिया की मैं बात क्या करूं, अभी मेरा अपना खुद का एक यहां पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये विक्रम स्ट्रीट ही है जहां पे मैं बैठा हूं अपनी गाड़ी में, यहीं से 200 कदम आगे बढ़ने के बाद में मेरा राइट हैंड साइड में यूनिट है। खुद अभी एक महीने पहले ही मैंने थोड़ा सा कम पैसों में किराए पर उठा रखा है, मतलब मेरे हिसाब से मुझे $50 वीकली ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन मैंने 600 पर वीक के हिसाब से जो है तो मेरा किराए पे घर 2-bedroom का यूनिट यहाँ पर किराए पे उठा हुआ है। तो यहाँ 500 से लेकर के अगर 1-bedroom का कोई सेटअप मिलता है तो 450 से लेकर के और $700-800 तक का वीकली जो है तो आपको अकोमोडेशन मिलेगा अगर आप एज ए कपल रहते हैं। देखिए एक आदमी का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, अगर आप दो लोग रहते हैं तो खर्चा उतना जंप डबल नहीं हो जाता है। तो अगर आप कपल हैं तो कपल के लिए समझ लीजिए 3000 से लेकर के और 5000, यस अगर आप थोड़ा सा अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो 3000 से 5000, अगर आप बहुत ज़्यादा ही रीजनेबली खर्च करना चाहते हैं तो भी आपको जो है तो 3000 से 4000 के इन बिटवीन आपका खर्चा आएगा। अब इसमें मैं स्टूडेंट्स की जो फीस होती है वो या जो आपको इंश्योरेंस वगैरह देना है उन सब चीज़ों को नहीं जोड़ता हूँ। तो फिलहाल इस तरह के यहाँ पे जो हैं खर्चे हैं कि एक स्टूडेंट के लिए। अच्छा, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, ब्रिस्बेन या छोटे ऐसे किसी शहर में जाते हैं, ये मैं आपको बात सिडनी की बता रहा हूँ। अगर आप मेलबर्न में रहते हैं तो अकोमोडेशन को लेकर के अकोमोडेशन में आपको 5-10% 15% तक थोड़ी सी कमी आ जाएगी। वैसे सिडनी से थोड़ा बाहर 200-300 किलोमीटर दूर चले जाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी सस्ते हैं। कल ही अभी हमारे एक जानने वाले आए थे, वो यहाँ से जो है तो 250 किलोमीटर दूर गए हैं रहने, तो उन्होंने बोला हमने 4-bedroom का हाउस ले रखा है किराए पे, भैया $500 वीकली उनका किराया है हाउस का पूरे। लेकिन ऐसी जगहों में वो तो खैर चलो तो अपना एक रेस्टोरेंट खरीद करके अपने बिजनेस के लिए वहाँ गए हैं,
लेकिन शुरू में कोई भी व्यक्ति जाकर के ऐसे कंट्री साइड में नहीं रह पाता है, क्योंकि वहाँ फिर जॉब की भी दिक्कत होती है और फिर यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ जॉब करने के लिए तो आ नहीं सकते, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है बड़े शहरों में ही ज़्यादातर लोग रहते हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे वुलुंगोंग, ऐसी किसी जगह में अगर जो भी यूनिवर्सिटी है और वहाँ अगर आप रहते हैं जा करके, तो फिर आप अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर ये खर्चे थोड़े से आपके कम हो जाएंगे। तो ये मोटी मोटी सी कुछ जानकारियाँ थी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। तो आज से 2 साल पहले जितना खर्चा एक व्यक्ति को यहाँ आता था, उसमें समझ लीजिए आप $500 बढ़ा दीजिए। और इंडिविजुअल के लिए, शेयर अकोमोडेशन के लिए, अगर आप कपल रहते थे, पहले अगर आपका 3000 में हो जाता था तो 4500 तक का मंथली जो है एक्सपेंस आएगा। तो इस तरह से आप अपने पैसों को बचाते हुए, हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हुए, शुरुआत के 6 महीने 1 साल जो है आप पहले यहाँ पर रहिए, फिर धीरे धीरे आप अपने जो है तो पंख खोलिए। जिस तरह से आपकी इनकम होगी उसी हिसाब से आपके खर्चे जो है मैनेज हो जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ में, जो भी नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वीडियो अगर आपने अंत तक देखा है तो हृदयपूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके पूछिए अगर आपको और कोई जानकारी प्राप्त करना है, वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके उसे भी आप बताइएगा प्लीज़। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।